अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फरहान यूसुफ एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपना जो न्यू जो हमारा चैप्टर है जो कि रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के हवाले से है, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर काफ़ी एक्सेल भी कर चुके हैं, हमने काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस भी कर दिया है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ और वो रिलेटेड टू अल्कीन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कीन्स के हवाले से इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम इसका जनरल फार्मूला देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसे कुछ प्रिपरेशन प्रोसेस हैं, ठीक है, कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम अल्कीन्स की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि अल्कीन्स आर आल्सो द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन फैमिली का ही एक मेंबर है, ये उसके अंदर ही जो है शुमार होता है। ठीक है, अगर हम अल्कीन्स की बात करते हैं तो हम सिंपली कहते हैं कि अल्कीन्स वो तमाम हाइड्रोकार्बन होते हैं कि जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड, ठीक है, इन देम, यानी कंपाउंड के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, इनको हम अल्कीन्स का नाम देते हैं, अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अगर हम अल्कीन की बात करते हैं तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। ठीक है, ये हमारे पास इनका जनरल फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात कर रहा हूँ प्रोपीन की, प्रोपीन आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि ये जो हमारा वर्ड है प्रॉप, जिन्हें डिस्कस भी किया था आपके सामने जब हमने एपिक नेमिंग की बात की थी, हमने कॉमन नेमिंग की बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि जो प्रॉप है ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को और ईन शो करता है टाइप ऑफ यानी कंपाउंड को, नेचर ऑफ कंपाउंड को, चूंकि ईन शो कर रहा है डबल बॉन्ड को और प्रॉप शो कर रहा है तीन कार्बन एटम को, तो मैं सिंपली एन की जगह पर मेंशन करूंगा 3 × 2 × 3 हो जाएगा और इसके थ्रू मैं गेट करूंगा C3H6 गेट करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रोटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से राइट करते हैं। ठीक है, तो हम ये बात देख रहे हैं कि अल्कीन्स तमाम वो हाइड्रोकार्बन जिनमें के क्या हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, इनको हम अल्कीन्स कहते हैं। जनरल फार्मूला है CnH2n, ठीक है, CnH2n इनको हम कहेंगे और ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, ये हमारे पास क्या है हाईली रिएक्टिव जो है वो स्पीशीज कहलाएंगी। ठीक हो गया, अब अगर हम बात करते हैं अल्कीन्स की तो इसके कुछ हम प्रिपरेशन मेथड्स की बात करते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर तीन प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो अल्कीन के डिस्कस करेंगे जिनमें के हमारे पास फर्स्ट वन है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, सेकंड हम डिस्कस करेंगे डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, और थर्ड वन हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या होगा डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड, ये हम डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन टर्म्स का बेसिकली तौर पे मतलब क्या होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि आपके साथ जो है शेयर करूंगा इनका मैकेनिज्म कि किस तरीके से ये जो है वो होते हैं, क्या इनके लिए जो है कंडीशन रिक्वायर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, ये वर्ड हमें क्या शो कर रहा है ये हम डिस्कस करते हैं पहले और उसके बाद फिर हम जो है इसके रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो ये जो वर्ड डी मेंशन मैंने किया है, जब भी हमारे पास किसी एक टर्म के स्टार्ट में डी का मतलब डी आ जाता है तो इसका मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, यानी मैं इस प्रोसेस के अंदर मैं इन दो चीजों को रिमूव करवाऊंगा। ठीक है, कंपाउंड से जो मेरा मेन कंपाउंड है जो कि रिएक्टिंग कंपाउंड है इससे मैं रिमूवल करवाऊंगा हाइड्रोजन की और हैलोजन की। ठीक है, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन टेक प्लेस इज सिंपली कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होता हो इस प्रोसेस को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं, और हमेशा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हम करते हैं। ठीक है, हम बेस यूज करते हैं और अल्कोहल को एज अ मीडियम यूज करते हैं। ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑलमोस्ट रिक्वायर होता है फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की, ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इस इथाइल क्लोराइड की मैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू इसको मैं कन्वर्ट करूंगा अल्कीन के अंदर,
तो इसके लिए मेरे पास जो मीडियम रिक्वायर्ड है वो है अल्कोहल, ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक हो गया। अब हुआ ये कि जो दो कार्बन एटम है इनमें से एक कार्बन एटम से हैलोजन एटम, यानी जिस कार्बन एटम पे डायरेक्टली तौर पे हैलोजन लगा हुआ है वहां से हैलोजन एटम, और उससे नेक्स्ट जो कार्बन एटम है उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, और हम गेट करेंगे अल्कीन यानी इथीन गेट करेंगे इस प्रोसेस में और वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस जिसमें कि हमने ये देखा है कि इस कार्बन एटम से हैलोजन एटम को रिमूव करवाया है और इस कार्बन एटम से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया है, तो डी हाइड्रो यहां से और हैलोजन, ठीक है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस हम इसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये अल्कोहल एज अ मीडियम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट आउट करवाएगी, ठीक है। तो ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म की बात करते हैं, सेकंड हमारे पास जो चीज है वो है डीहाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर हम dehydrogenation in dehydration process of alcohol की बात करते हैं तो इसमें होगा क्या कि हम सिंपल अल्कोहल लेंगे, कोई भी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ले रहा हूं इसके अंदर, ठीक है, इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ऑलमोस्ट 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इतना इंटेंस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इससे होगा ये के हाइड्रोक्सिल एक कार्बन एटम से जिसके साथ लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल, ठीक है, उस कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल और उससे जो नेक्स्ट कार्बन एटम है उससे हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन वहां से हाइड्रोक्सिल निकला, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, किस तरीके से होगी ये देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर रिमूव होगा, ठीक है। अब हुआ किस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरह से राइट कर दूं CH2 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब जब आप ये बॉन्ड तोड़ते हैं, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन तोड़ते हैं, तो आप ये बात जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो होगा ये कि जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो हेटरोलिटिकली तौर पे ये फिशन रिएक्शन यानी हेटरोलिटिकली तौर पे ये बॉन्ड टूटेगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। सेम वे में जब आप बॉन्ड तोड़ते हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, हम ये बात जानते हैं कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद इस कार्बन एटम पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और हाइड्रोजन एज पॉजिटिव चार्ज यहां से रिमूव होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन कार्बन ट्रांसफर होते हुए CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्मेशन कर देगा, ये जो हाइड्रोक्सिल यहां से निकला है ये हाइड्रोक्सिल इस हाइड्रोजन को लेते हुए वाटर फॉर्मेशन कर देगा, तो ये डीहाइड्रेशन प्रोसेस है, डी मींस रिमूवल, हाइड्रेशन मींस वाटर, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के थ्रू हम अल्कीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि वाटर के रिमूवल के प्रोसेस के थ्रू यानी वाटर का रिमूवल हो रहा हो इसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के थ्रू हम अल्कीन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। थर्ड एंड फाइनल हमारे पास मेथड रह गए वो हम देख लेते हैं, लास्ट मेथड जो हमारे पास है वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। फर्स्ट हमने इस टर्म को डिस्कस करना है कि ये विसिनल डाइहैलाइड का सिंपली मतलब क्या होता है और उसके बाद हम डीहैलोजिनेशन प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, यानी एक ऐसा कंपाउंड के जिसमें क्या होंगे, डाई मींस टू, हैलाइड मींस हैलोजन एटम, ठीक है, हैलोजन एटम मौजूद होंगे, ठीक हो गया। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हमारे पास दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स जो हैं वो दो हैलोजन एटम्स को कैरी करते हो, इनको हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। विसिनल की टर्म का मतलब सिंपली ये देख लें कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स जो हैं वो अपने साथ यानी दो फंक्शनल ग्रुप कैरी करते होंगे, सिमिलर भी हो सकते हैं, ये सेम है हमारे पास, ठीक है, दो हैलोजन एटम्स मौजूद हैं एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर, तो इसको हम विसिनल डाइहैलाइड का मतलब यानी इसको कह रहे हैं, ठीक हो गया। इसकी हम करवाने लगे हैं डीहैलोजिनेशन, मतलब कि इसमें से रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम करवाएंगे, तो इस रिमूवल ऑफ हैलोजन के लिए जो चीज हम रिक्वायर करते हैं, जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो है जिंक, जिंक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिंक जो है इसके लिए रिक्वायर होता है जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है ये प्रोसेस कंप्लीट आउट होता है, ठीक है। तो होगा ये कि ये दोनों के दोनों जो क्लोरीन हमारे पास है ये रिमूव होंगे और इनके रिमूवल के बाद डबल बॉन्ड क्रिएशन होगी, Cl2 फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये प्रोसेस हुआ किस तरीके से है, देखिए हम ये बात जानते हैं कि कार्बन और क्लोरीन का ये बॉन्ड टूट रहा है,
दोनों के दोनों बॉन्ड्स के थ्रू क्या होगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। क्यों? हम ये बात जानते हैं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ देते हो तो हेटरोलेटिकली तौर पे ये बॉन्ड टूटता है, और हेटरोलेटिकली तौर पे ये बॉन्ड टूटते हुए ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट ट्रांसफर करता है क्लोरीन के ऊपर, और कार्बन एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर भी प्रोसेस होगा, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ, जिंक हम ये जानते हैं मेटल है, और जिंक मेटल होने की वजह से क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को यानी देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक हो गया, जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करेगा तो इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव करवा दिए। ठीक है, अब ज़ेरिन प्लस टू जो है इन दो क्लोराइड नेगेटिव आयंस को लेते हुए कन्वर्ट कर देगा अपने आप को ज़ेरिन सीएल टू में। ठीक है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दो कार्बन एटम के दरमियान आते हुए डबल बॉन्ड क्रिएशन करते हैं, इन दोनों के ऊपर जो पॉजिटिव साइंस हैं इनको रिमूव करवा देते हैं। ठीक हो गया, हम सिंपली कहते हैं कि अल्कीन फॉर्मेशन हुई है बाय द यूजेज ऑफ विसिनल डाइहैलाइड and using the second reactant which is zinc dust, इसको zinc dust कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास final process यानी final method है कि जिसके through हम alkene को prepare कर सकते हैं, और इस lecture के अंदर हमने alkene का introduction लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने उसके तीन possible methods पढ़े थे कि जिनके through हम alkenes को prepare कर सकते हैं, और इन processes के अंदर आपने जो ज़हन में चीज़ रखनी है वो यही है कि major टर्म का मतलब क्या होता है, जो हम टर्म यूज कर रहे हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन हो, डीहाइड्रेशन हो, या कुछ भी हमारे पास टर्म है उस टर्म का सिंपली मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उस रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या अप्लाई कर रहे हैं, कोई मैं कैटलिस्ट रिक्वायर कर रहा हूं तो कैटलिस्ट क्या होगा, टेम्परेचर कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेशर कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर मैं कोई मीडियम यूज कर रहा हूं तो वो मीडियम किस तरह का है, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की आपने जो है वो चीजों को अपने ध्यान रखना जब भी आप किसी एक रिएक्शन को देख रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम टॉपिक्स यानी जो तमाम पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये टॉपिक ओवरऑल ठीक है आपको समझ आया होगा, और इससे रिलेवेंट अगर आपको क्वेश्चन है तो जरूर है आप मुझसे पूछिएगा ताकि मैं उसका फौरन से आपको आंसर कर सकूं और आप जो है उसकी जस्टिफिकेशन ले सको जो कि आपको कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे जाना चाहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।